हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट में। इस वक्त मैं आपको जो आज मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल और सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच, उस मैच की जानकारी मैं आपको दूंगा। पहले तो जो दिल्ली की टीम है, अगर वो आज जीत लेती है तो वो पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंचेगी और क्वालिफाई भी करेगी। वहीं सनराइज़ हैदराबाद भी चाहेगी मैच जीतना, क्योंकि प्लेऑफ्स में बने रहने के लिए। अगर सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके। मैं आपको बता दूँ, अगर इस मैच की प्रीव्यू की बात की जाए तो आज शाम 7:30 बजे को ये मैच खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल और सनराइज़र्स हैदराबाद के बीच। ये खेला जाएगा दुबई में। अगर बात की जाए इसके अलावा, मैं आपको बता दूं तो ये मैच यहाँ पर जो ये मैच है, तो इस मैच की जानकारी मैं आपको दूं तो ये दुबई में खेला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसलिए जो टीम पहले बल्लेबाजी करेगी उसको 160 से 180 तक टारगेट लगाना होगा, उसके बाद उसको जीतने के चांस रहेंगे। और अगर बात की जाए वेदर कंडीशन की, तो वेदर कंडीशन ये है कि मौसम शाम को मैच हो रहा है, इसलिए मौसम लगभग 25 से 27 डिग्री और मौसम साफ ही रहेगा। अगर बात की जाए प्लेइंग 11 की, तो डेविड वार्नर, जॉनी ब्रेस्ट्यू, मनीष पांडे, विजय शंकर, जेसन होल्डर, प्रियम गर, अभिषेक शर्मा या अब्दुल सलमद। अभिषेक शर्मा को आज अब्दुल समद की जगह पर मौका मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राशिद खान, खलील अहमद, संदीप शर्मा, टी नटराजन आपको खेलते हुए दिखेंगे। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, सरियास अय्यर, ऋषभ पंत, सिमरन हिटमायर, इसके अलावा मार्चिस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, के जी सोराबादा, एंग्रेज नोकिया, तुषार देशपांडे आपको खेलते हुए दिखेंगे। ज़बरदस्त बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों टीमों में है, इसलिए इस मैच में बहुत ज़्यादा टक्कर देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा मैं आपको हेड टू हेड की बात की जाए, तो मैंने आपको पहले बताया है कि हेड टू हेड जो अगर कागज़ों की बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल और सनराइज़र्स हैदराबाद पिछले मैचों में, अगर जितने भी मैचों में भिड़े हैं, बराबरी की टक्कर रही है। लेकिन इस बार ये प्लेऑफ्स के लिए जगह बनाने के लिए है, इसलिए इस मैच में जो टीम 160 से 180 तक टारगेट लेती है, बना लेती है, तो उसके जीतने के चांस रहेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू।